हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबली किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल की चिक्की। तो सर्दियों में विशेष रूप से तिल का लड्डू और चिक्की, गज्जक ये सब खाया जाता है, तो ये बहुत एनर्जेटिक होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी अलग रेसिपी लेके आई हूँ, वो है कैरामलाइज तिल का चिक्की। तो आइए शुरू करते हैं। तिल की कुरकुरी चिक्की बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है और उसमें हम डालेंगे 1 कप सफ़ेद तिल। इसको साफ करके अच्छी तरह से डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करना है, तो फ्लेम को हम लो रखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाता है। तो इसको लगातार चलाते हुए हल्का कलर आने तक, खुशबू आने तक भून लेते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट बस भूनने में इसका टाइम लगता है। तो देख सकते हैं 2 मिनट भूनने के बाद कलर आ गया है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया। अब ये ओवर कुक ना हो जाए इसलिए दूसरे बर्तन में इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब सेम पैन में हम आधा चम्मच देसी घी डालते हैं, इसको मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। तो जितना हमने तिल लिया है उतना ही चीनी लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है, ऐसे ही धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट हो जाएगा। अभी 5 मिनट लो फ्लेम पे ऐसे पकते हुए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो ऐसे ही हम इसको चलाते हुए पूरा अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब तक हमारा चीनी कैरामलाइज हो रहा है तब तक हम चिक्की को जमाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चिक्की को जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉइल पेपर लिया है और उस पर देसी घी लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। घी या फिर ऑयल भी ले सकते हैं आप। इसको जमाने के लिए फॉइल पेपर या फिर प्लास्टिक पेपर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्टील के थाली में भी जमा सकते हैं इसको। तो इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और हमको इसको चिक्की को रोल करना है। इसके लिए एक बेलन में हम घी लगा के इसको भी ग्रीस कर लेते हैं। लो फ्लेम पे 5 मिनट चलाते हुए ये मेल्ट हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा स्पेचुला से दबाते हुए चलाएंगे जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो अभी आप कलर देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से मेल्ट भी हो गया है और कैरामलाइज भी हो गया है। तो इस तरह से बनाने में फ़ायदा रहता है कि हमको 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसमें अब रोस्ट किया हुआ जो तिल हम रखे हैं वो ऐड करेंगे। तो इसमें डालते हैं तिल और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और सामग्री को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम जिस पे जमाना है उस पे हम डालेंगे। तो मैंने पहले से तैयारी करके रखा था, फॉइल पेपर को ग्रीस कर लिया था। तो ये सारी तैयारी, जमाने की तैयारी आप पहले से करके रखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। अगर इसके बाद आप करेंगे तब तक आपका मिश्रण जो है कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो मैंने 1 स्पून में घी लगा लिया है इसको स्पेचुला को साफ करने के लिए और इसको और भी टेस्टी और देखने में अच्छा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पिस्ता कट किया हुआ इस पर डाल रही हूँ। इससे देखने में और भी सुंदर लगता है और टेस्टी तो लगता ही है। तो इस पर मैं डाल ले रही हूँ ऐसे। और रोल करने के लिए बेलन जो है, बेलन से हम अच्छी तरह से, गर्म है तभी फटाफट इसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे इस चीज़ में। तो इसको अच्छे से पतला सा रोल कर लेते हैं क्योंकि पतला जो है बहुत ही क्रिस्पी लगता है। अब देख सकते हैं इसको बहुत पतला मैंने रोल किया है। अच्छे से रोल करने के बाद जब ये गर्म है तभी इसमें हम कट का निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसको दबाते हुए मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी जमता है। इसको ऐसे निशान लगा लेंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसको आप निकाल लेंगे, पीस से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये ठंडा होकर जम जाता है, काटते काटते ये जम गया। अगर आप इसको नहीं भी काट पाते हैं तो इसको आप तोड़ सकते हैं, बहुत ही इजीली टूट जाता है ये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीस निकल रहा है। तो सारे पीस को ऐसे निकाल के अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चिक्की को निकाल लिया है, सारे पीस को अलग कर लिया है, साइड्स को अलग रखा है और अच्छे पीस को मैंने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और बहुत ही सुपर क्रिस्पी चिक्की बन के तैयार हो गया है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही कुरकुरा बना है ये, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ये मकर संक्रांति में आप ज़रूर इसको बनाएं, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं महीनों तक। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।